तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपका भी यूट्यूब चैनल सर्च में आता नहीं है, जिसके कारण आप परेशान होकर यूट्यूब छोड़ देते हो और यूट्यूब ट्वीट कर देते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका भी यूट्यूब चैनल सर्च में आएगा। आप जैसे एग्जांपल के लिए मेरा चैनल देख सकते हैं, अरुण मौर्य टेक। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो फर्स्ट नंबर पर मेरा चैनल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये क्यों होता है, कैसे मेरा चैनल सर्च में आता है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल का SEO करना होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और बात करते हैं अपने चैनल के बारे में कि आप अपने चैनल को सर्च में कैसे ला सकते हैं और उसका SEO कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे YouTube ओपन किया है और यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड मैंने ऑन किया है। तो फ्रेंड्स देखिए, इनकॉग्निटो मोड होता है जिसमें आपकी कोई भी हिस्ट्री नहीं होती है और आपके जो भी आपने चैनल सब्सक्राइब किया है वो भी आपको शो नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी का चैनल सब्सक्राइब करते हो और आप वहाँ पे YouTube पे कोई वीडियो सर्च करते हो और उस चैनल पे वही वीडियो अपलोड है, तो सबसे पहले आपके सामने वही वीडियो आएगी। तो इसीलिए मैंने इनकॉग्निटो मोड ऑन किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अपना लाइव चैनल एक बार सर्च करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको सब कुछ ट्रिक बताऊंगा कैसे आप अपने YouTube चैनल को बना सकते हो और कैसे उसका SEO कर सकते हो, कैसे आपका YouTube चैनल सर्च में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अरुण मौर्य टेक्स टाइप करता हूँ, ARUNMORYATECH। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुण मौर्य टैग, तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मेरा चैनल शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका SEO सही से हुआ है। तो SEO कैसे होता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में चलेंगे और बात करेंगे अपने SEO के बारे में कि SEO आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं SEO के लिए अपने वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ, आपको भी यहाँ पे अपना वाइट स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे वाइट स्टूडियो ओपन कर लिया है। अगर आपका वाइट स्टूडियो ओपन नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना वाइट स्टूडियो ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे चैनल आ चुका है, और सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सबसे नीचे आपको यहाँ पे एक सेटिंग वाला आइकन मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहीं पर अपना SEO करना होगा और तभी आपका चैनल सर्च में आएगा और उसके बाद ही आपका चैनल ग्रो होगा। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको ये वीडियो लास्ट तक वॉच करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने कीवर्ड्स डाले हैं और कंट्री ऑफ रेजिडेंस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये क्यों किया है, क्योंकि यहीं से SEO मेरे चैनल का हुआ है, और जो भी मेरी कैटेगरी के यूट्यूबर होते हैं उनके पास भी मेरी वीडियो शो होती है। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा कीवर्ड में मैंने यहाँ पे उनके भी चैनल के नेम फिल किए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे ही SEO करना होगा। आप ये मत सोचना कि कीवर्ड से ही SEO हो जाता है, और भी कुछ सेटिंग होती है जिससे आप SEO कर सकते हैं, तो आपको मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने चैनल के नेम के रिलेटेड सभी कीवर्ड डालने होंगे। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने अपने चैनल का नेम यहाँ पे डाल दिया है, अरुण मौर्य टैग। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुण मौर्य, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टैग अरुण, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुण टैग और तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फिर से उसको कर लेता हूँ। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुण कुमार टैग टेक्निकल मौर्य, अरुण टैग अरुण मौर्य, मौर्य टैग अरुण मौर्य, अरुण टैग मौर्य। तो इस तरीके से आपको भी अपने चैनल को घुमा फिरा कर ऐसे ही अपने कीवर्ड बना लेने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने जो भी यूट्यूबर है मेरी कैटेगरी में, मैंने उनके यहाँ पे नेम चैनल नेम डाल दिए है। और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ, यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और आपको भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे चैनल पे कीवर्ड डाल दिया, जो भी इनको सर्च करेगा तो मेरा भी चैनल कहीं ना कहीं यहाँ पे शो हो जाएगा, और अगर अरुण मौर्य टैग करेगा तो सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरा चैनल शो हो जाएगा। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स ये होती है कि आपको अपने चैनल का नेम यूनिक रखना होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक आपके नेम से ही 1 लाख चैनल बने हैं और उन पर सब्सक्राइबर बेस भी बहुत ज़्यादा है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से है, तो आपका चैनल वहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं होगा। अगर कोई बड़े यूट्यूबर के जैसा आप वहाँ पे नाम रखते हो तो आपका चैनल तो बिल्कुल भी सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि उसके ही नेम से बहुत सारे चैनल भी कॉपी होते हैं और चैनल क्रिएट होते हैं। तो आपका चैनल वहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपका चैनल वहाँ पे सर्च में आए। तो आपको वहाँ पे भी कुछ यूनिक नेम रखना होगा। यूनिक नेम आप
खुद सोच सकते हैं। जैसे आप मेरा देख सकते हैं, अगर मैं अरुण मौर्य सर्च करता हूँ तो मेरे नाम से बहुत सारे चैनल आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें टैग लगाया तो अरुण मौर्य टैग मेरा सबसे पहले नंबर पे आ जाता है। तो ऐसे ही आपको भी यूनिक नेम रखना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवांसड सेटिंग्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेटिंग्स कर लेनी है और यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद फ्यूचर एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे इनेबल सब कुछ कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने चैनल के कीवर्ड ही डालने होते हैं। तो उसके बाद ही आपका चैनल सर्च में आएगा और आपको यहाँ पे भी टैग डालने होंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे मतलब कोई आप वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे टैग ऑटोमेटिकली वहाँ पे लग जाएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे परमिशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल एड्स अकाउंट अगर आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब आप अपनी वीडियो का प्रमोशन करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऐसे ही अपने कीवर्ड डालने होंगे और उसके बाद ही आपका चैनल सर्च में आएगा। अभी आप चेक कर सकते हैं अपने कीवर्ड यहाँ पे फिल किए हैं या नहीं। अगर आपका फिर भी चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, उस प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा, आपका चैनल भी सर्च में आ जाएगा, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आगे आपको सभी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तो आपको भी ऐसी SEO करना है और यूनिक नेम रखना है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप नए नए YouTube पर हो तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि YouTube आखिर आपको 1000 व्यूज पर या फिर 1 लाख व्यूज पर कितने पैसे देता है। तो आप ये राज वाली वीडियो देख सकते हो, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।